हेलो एवरीवन वेलकम टू कृष्णा कोचिंग सेंटर क्लास ट्वेल्थ हिस्ट्री और ये हमारा चैप्टर वन है दैट इज ब्रिक्स बीट्स एंड बोन्स सो इसमें हमारा टॉपिक है न्यू टेक्निक्स एंड क्वेश्चंस तो कौन से नई टेक्निक्स थे और कौन से नए सवाल थे जो उठ रहे थे सो इट वाज आर ई एम व्हीलर आफ्टर ही टुक ओवर एज डायरेक्टर जनरल ऑफ ए इन नाइनटीन तो ये कहानी कब की है ये कहानी है 1944 की जब व्हीलर साहब ने डायरेक्टर जनरल की पोस्ट ले ली आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में हु रेक्टिफाइड दिस प्रॉब्लम व्हीलर रिकोगनाइज दैट इट वाज नेसेसरी टू फॉलो द स्ट्रेटिग्राफी ऑफ द माउंट रादर देन डिग मैकेनिकली अलोंग यूनिफॉर्म हॉरिजोंटल लाइन्स देखो पता है क्या यहाँ पे उन्होंने क्या रिकोगनाइज किया कि जो आ, हम वहाँ पे डिगिंग कर रहे थे किसी भी नई सिविलाइजेशन को फाउंड करने की उसकी टेक्निक थोड़ी रॉन्ग थी उसमें उन्होंने क्या कहा कि स्ट्रेटिग्राफी बनाओ उसकी लेयर में उस चीज़ की कटिंग करो सो so दैट हम लेयर में उसकी डिगिंग करो सो so दैट हम उसके डीपर मीनिंग तक पहुंच सकें क्योंकि लेयर में अगर हम कोई चीज़ कट करेंगे डिग करेंगे तो बहुत चांसेस हैं कि हमें बीच में और चीज़ें भी मिल जाए सो मोर एवर एन एक्स आर्मी ब्रिगेडियर ही बॉट विद हिम अ मिलिट्री प्रिसीजन टू प्रैक्टिस ऑफ आर्कियोलॉजी द फ्रंटियर्स ऑफ़ हड़प्पा सिविलाइजेशन हैव लिटिल और नो कनेक्शन विद प्रजेंट ए नेशनल बाउंड्रीज तो उस समय जो फ्रंटियर थे हड़प्पन सिविलाइजेशन के उनका आज के प्रजेंट ए नेशनल बाउंड्रीज से कोई लेना देना नहीं है इट्स ऑल की सब कुछ हम एक साथ तब स्टडी किए थे लेकिन जब पार्टीशन होता है पाकिस्तान और इंडिया का तो जो मेजर साइट्स थी उस समय की वो पाकिस्तान में चली गई एक समय तो वो भारत में ही खोजी जा रही थी बिकॉज देर वॉज नो पाकिस्तान दैट टाइम बट नाउ इफ वी टॉक अबाउट द बाउंड्रीज पाकिस्तान की साइड में उनका बड़ा हिस्सा है सो दिस हैज इंडियन आर्क्योलॉजिस्ट टू ट्राई एंड लोकेट साइट्स इन इंडिया तो अब क्या हुआ कि भाई जब बहुत बड़ा हिस्सा पाकिस्तान में चला जाएगा तो इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट को लगा कि हमें अपनी ये इंडिया के अंदर भी साइट्स ढूंढनी चाहिए एक्सटेंसिव सर्वे होता है कच्छ में और जहाँ पे नंबर ऑफ़ हड़प्पन सेटलमेंट्स एंड एक्सप्लोरेशन पंजाब हरियाणा ये सब चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं जो अगर हम कलीबंगन की बात करें कलीबंगन हो गया लोथल हो गया राखी गढ़ी हो गया डोलावीरा हो गया ये भी बहुत लाइक रीसेंट डिस्कवरी है उसको डिस्कवर किया गया एक्सप्लोर किया गया एंड एक्सकवेट किया गया Of these efforts, fresh exploration, we continue. Rahe. Decades years New issues de, they have assumed importance. Where some archaeologists are often keen to obtain a cultural sequence. Others try to understand the logic underlying the location of specific sites. So they also grapple with the wealth of artifacts, trying to may figure out the functions these may serve. तो भाई जब इतनी तेजी से काम शुरू होगा बहुत चीजें मिलेंगी उनकी इम्पॉर्टेंस को पता करने के लिए बहुत सारे एफर्ट्स लगाए जाएंगे सिंस द नाइनटीन एटीज हैज़ ऑल्सो बीन ग्रोइंग इंटरनेशनल इंटरेस्ट इन हड़प्पन आर्कियोलॉजी भाई जब कोई चीज़ की इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस हो जाती है ना तो वो अपने आप में ही बहुत इम्पोर्टेंट चीज हो जाती है तो नाइनटीन एटीज से हमने देखा कि बहुत लाइक ग्रोइंग इंटरनेशनल इंटरेस्ट हमको हड़प्पन आर्कियोलॉजी में देखने को मिलता है स्पेशलिस्ट जो थे फ्रॉम सब कॉन्टिनेंट एंड अब्रॉड वो जॉइंटली वर्क करना शुरू किए एट बोथ हड़प्पा एंड मोहिंजो दे आर यूजिंग मॉडर्न साइंटिफिक टेक्निक्स इंक्लूडिंग सरफेस एक्सप्लोरेशन ताकि वो रिकवर कर सके ट्रेसिस ऑफ क्ले को स्टोन को मेटल को प्लांट को एनिमल्स रिमेन को भी एज वेल एज छोटे छोटे माइन्यूटली एनालाइज एवरी स्क्रैप ऑफ अवेलेबल एविडेंस तो ये जो एक्सप्लोरेशन थे दे प्रोमिस टू यील्ड इंटरेस्टिंग रिजल्ट इन द फ्यूचर तो फ्यूचर में उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है हम जो ये एक्सप्लोरेशन है इसको और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से इसको हील्ड कर सकते हैं एंड इससे फ्यूचर में जो रिज़ल्ट आएंगे वो भी और अच्छे ही आएंगे व्हीलर एट हड़प्पा तो मिस्टर व्हीलर हड़प्पा के बारे में क्या सोचते हैं क्या कहते हैं सो अर्किया अर्ली आर्कियोलॉजिस्ट वर ऑफन ड्रिवन बाय अ सेंस ऑफ एडवेंचर पहले के आर्कोलॉजिस्ट इवन आज के भी जो सेंस ऑफ एडवेंचर है ना उनमें बहुत ज़्यादा था सो दिस इज वॉट व्हीलर रॉट अबाउट हिज एक्सपीरियंस एट हड़प्पा सो इट वॉज आई रिकॉल ऑन अ वॉम मे नाइट इन नाइनटीन फोर्टी फोर दैट अ फोर माइल्स टोंगर राइड ब्रॉट मी एट द न्यूली अपॉइंटेड as a newly appointed director general of ASI with my local muslim officer from a little railway station labeled Hadappa along a deep sand track to a small rest house beside the moonlit ruins of ancient site तो वीलर बता रहे हैं कि किस तरीके से जो है वो टोंगा से आए थे और किस तरीके से जो उनके मुस्लिम ऑफिसर थे लोकल मुस्लिम ऑफिसर उनको बता रहे थे हड़प्पा वगैरह के बारे में

एंड साढ़े सात तक आ जाएंगे क्योंकि उसके बाद इतनी धूप हो जाएगी कि काम करना बहुत मुश्किल हो जाएगा वहीं जहाँ पे ये ठहरे थे तो रात को वुल्फ जैकल्स वगैरह की आवाज़ आ रही थी नेक्स्ट मॉर्निंग पंक्चुअली एट फाइव थर्टी आर लिटिल प्रोसेशन स्टार्ट आउट टूवर्ड सैंडी हीप्स तो अगले दिन जैसा उन्होंने प्लान किया सुबह साढ़े बजे उन्होंने काम करना शुरू कर दिया दस मिनट के अंदर ही आई स्टॉप एंड रब माई आई एज आई गेस्ड अपऑन द टॉलेस्ट माउंट स्कैसली ट्रस्टिंग माई विजन तो दस मिनट के अंदर ही जो व्हीलर थे उनको बहुत बड़ा सा माउंट देखने को मिला वो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे छ घंटे बाद जो माई एम्बेरे आई वर स्टिल टॉयलिंग विद द पिक्स एंड नाइफ्स अंडर द ब्लीजिंग सन द मैट साहेब आई वॉज अ फ्रेट सींगटलेस स्पेस तो उनको बस ये चीज़ देख के यकीन नहीं हुआ एंड छः घंटे बाद जो मेरा इम्बेस्ड स्टाफ था और मैं जो थे हम स्टिल टॉयल कर रहे थे विद द पिक्स एंड नाइव्स ब्लेजिंग सन के अंदर और जो ये सब चीज़ें थी ये सब हम स्टडी इस तरीके से कर पा रहे थे तो आर एम विलर ने माय आर्कोलॉजिकल मिशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान में ये बताया था भाई मेहनत तो लगती है दुनिया के हर काम में मेहनत लगती है ऐसा तो है नहीं कि बिना मेहनत के कुछ हो जाएगा बट जो उस समय ये एक तरीके से पागलपन था हड़प्पा को खोजने का हड़प्पा के बारे में जानने का वो बहुत सही जा रहा था देन कम्स टॉपिक प्रॉब्लम ऑफ पीसिंग टुगेदर द पास्ट अब पीसिंग टुगेदर द पास्ट मतलब पास्ट की चीज आपको एकदम से एक कहानी पता नहीं लग गई आपको कभी कुछ पता लगा फिर कुछ पता लगा तो आप उसको पीस टूगेदर कर रहे हो जैसा वो गेम होता है ना मुझे एग्जैक्टली exactly नाम तो याद नहीं आ रहा है जिसके बहुत सारे पीसेस होते हैं पजल जैसे सॉल्व करते हैं तो वैसा ये कुछ हो रहा था तो इसकी कुछ प्रॉब्लम्स भी थी सो एज वी हैव सीन इट इज नॉट द हड़प्पन स्क्रिप्ट दैट हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द एंशियंट सिविलाइजेशन रादर इट इज मटीरियल एविडेंस दैट अलाउ आर्कियोलॉजिस्ट टू बेटर कंस्ट्रक्ट हड़प्पन लाइफ तो जैसे हड़प्पा का एग्जाम्पल है हमें कोई हड़प्पन की खास स्क्रिप्ट नहीं मिली थी हमको मटेरियल एविडेंस मिले थे जिसने हड़प्पा की साइट के बारे में हमें जानकारी दी थी दिस मटेरियल इंक्लूडेड पॉटरी था उसमें टूल्स थे ऑर्नमेंट्स थे हाउस होल्ड ऑब्जेक्ट्स थे क्लोथ थे लेदर वुड रीड्स जो ये सब चीज़ें जो थी वो हमें देखने को मिली जिससे हमें पता लगा कि वो एक पूरा लाइफ स्टाइल था एक पूरा ग्रुप था जो वहां पे साथ में रह रहा था सो वॉट सर्वाइव आर स्टोन बर्नड क्ले टेराकोटा मेटल एक्सेट्रा सो इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट ओनली ब्रोकन या यूजलेस ऑब्जेक्ट वुड हैव बीन थ्रो अवे अदर थिंग्स वुड हैव बीन रिसाइकल्ड consequently valuable artifacts that are found intact were either lost in the past or hoarded and never retrieved. In other words, such finds are accidental rather than typical. अब पता है कुछ चीजें उनको ऐसे भी मिली थी, जैसे अगर हम बात करें reeds वगैरह की, जो जैसे clothes हो गए, wood हो गए, वो generally decompose हो जाते हैं. But बहुत lucky ली, शायद ईश्वर ही चाहता था वो इस चीज की खोज करें. तो ये चीजें उनको मिली कई ओरिजिनल फॉर्म में मिली थी एंड कई उनको कंपाउंड कंपाउंड फॉर्म फॉर्म में भी मिली थी। इन द बट केमिकली वी कैन क्या क्या उनको मिला, उसको कैसे क्लासिफाई किया गया सो रिकवरिंग आर्टिफैक्ट्स इज जस्ट दिग्निंग ऑफ आर्कियोलॉजिकल एंटरप्राइज फाइंड्स वन सिंपल प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन इज इन टर्म ऑफ मटीरियल जैसे कि स्टोन क्ले बोन आइवरी एक्सेट्रा सेकेंड एंड मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड इज सो आर्कियोलॉजिस्ट हैव टू डिसाइड वेदर फॉर इंस्टेंस एन आर्ट इफेक्ट इज अ टूल और एन ऑर्नामेंट और बोथ और समथिंग मेंट टू बी रिचुअल यूज अब बड़ा चैलेंज है भाई हिस्ट्री को लेकर के या कोई चीज को भी लेकर के मान लो आप डिगिंग कर रहे थे एंड आपको कुछ मिला नाउ यू हैव टू डिसाइड कि क्या ये कोई टूल था या ये कोई ऑर्नामेंट था या कुछ ऐसा था जो पूजा पाठ में यूज़ रिचुअल्स में यूज़ होता था तो दिस वॉज वेरी कन्फ्यूजिंग तो ये सारी अंडरस्टैंडिंग जो थी वो प्रॉब्लम क्रिएट ऑफकोर्स कर रही थी एंड इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढने की भी कोशिश की जा रही थी सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस पार्ट इसका अगला पार्ट हम कवर करेंगे अपनी अगली वीडियो में थैंक यू सो मच